गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, एक नई कहानी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। और इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैं ये जो कहानी बताने जा रही हूँ, ये बबुल की है। बबलू कहता है, मैं फरीदाबाद शहर में रहता हूँ और ये कहानी मेरी ज़िंदगी की बहुत ही प्यारी दास्तान है। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूँ, मेरी शादी 3 साल पहले हुई है। मेरी पत्नी शालू एक सुंदर लड़की है, वो देखने में बहुत खूबसूरत है। पहले 2 साल तक तो मुझे उसके अलावा फुर्सत ही नहीं मिलती, बस उसी के साथ लाइफ में खुश था। जब 3rd साल साधु पेट से हुई तो मन में खुशी तो थी और एक दुख भी कि अब कई दफ़ा अकेले ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। खैर, दिन निकलते गए। मेरे साले की शादी की बात चली तो सर्दियों में होने थी और उस समय सालों की डिलीवरी भी होनी थी। सालों को चलना फिरना असंभव ही था, तो अब वो शादी की रस्में मुझे ही निभानी थी। सबसे पहले मुझे अपने शाले के लिए लड़की देखने जाना था। हम सभी अंबाला में लड़की देखने पहुँचे। लड़की के घर पहुँच नाश्ता वगैरह लेने के बाद लड़की भी सामने आ गई। उस लड़की का नाम नबीशा था। रंग खूबसूरत गोरा, खूबसूरत चेहरा, नशीली आंखें, थोड़ी हेल्दी। उसे देख कोई भी पागल हो सकता है। मुझे लगा जैसे मेरे लिए लड़की देखा जा रहा है। खैर, सभी को उस लड़की का पसंद किया। मैंने अपने शाले अशोक के इशारा से पूछा, लड़की पसंद है? तो उसने कहा, क्या अकेले में लड़की से कुछ बात हो सकती है? मैंने कहा, अभी इंतज़ाम करता हूँ। और लड़की की इच्छा लड़की वाले को बताई। लड़की वाले भी तैयार हो गए। अब मैं अशोक और नवीशा और उसकी सहेली रीना एक कमरे में बैठ गई और हल्की पुल्की पूछताछ होने लगी। मैंने इशारा से उनकी सहेली रीना को अलग होने के लिए कहा। रीना किसी काम से बहाना करके बाहर चली गई। मैं भी थोड़ा बहाना करके बाहर आ गया। 5 मिनट बाद जैसे ही अंदर जाने हुआ तो कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैं दरवाज़ा से देखा तो दंग रह गया। अंदर गया तो दोनों अलग, नवीशा बाहर उठकर बाहर चली गई। तब अशोक ने कहा, मुझे नवीशा पसंद है। तो मैंने अशोक की रजामंदी सभी को बता दी। शादी की सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी। शादी भी बड़े ही धूमधाम से सभी रस्मों के साथ पूरी हुई। शादी के अगले दिन सभी मेहमान जाने लगे। मैं भी जब घर आ गया, लेकिन मेरी पत्नी शालू की हालात ज़्यादा खराब होने की वजह से अपनी सास को इस बारे में बता दिया। क्योंकि मैं ज़्यादातर शहर से बाहर ही रहता, तो घर में काम की मदद के लिए मेरे शाले अशोक ने अपनी पत्नी नवीशा को घर 1 महीने के लिए भेज दिया। तो मैंने कहा, अरे अशोक, अभी तो तुम्हारी शादी अभी अभी हुई है। उसने कहा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में समय बिता लूँगा, अभी दीदी का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नवीशा भी अपनी रजामंदी दिखाई। 10-12 दिन के लिए मैं बाहर टूर पे चला गया। मेरे घर पे ना होने पर नवीशा ने घर और मेरी पत्नी शालू को काफ़ी अच्छा से ध्यान रखा। नवीशा और शालू आपस में अच्छे दोस्त बन गए। मैं आप और आपस में अच्छी बनी, क्योंकि सालों की डिलीवरी में नज़दीक थी तो मैं भी घर पर ही रहना ज़रूरी था। मैं घर से ही ऑफिस का काम शुरू कर दिया। अब मैं शालू से ज़्यादा समय देने लगा। नवीशा जो घर में थी, सभी कामों को अच्छे से संभालती, जैसे खाना बनाना, कपड़े वगैरह और घर के छोटे काम सभी को अच्छे अच्छे से संभालती। क्योंकि घर पर मैं हमेशा रहने लगा तो नवीशा अक्सर मुझसे बात किया करती। 2-3 दिन में मेरी और नवीशा की भी एक अच्छी दोस्त वाली बातें हो गई। नवीशा काफ़ी खूबसूरत थी देखने में। 2 दिन में मैंने नवीशा को महसूस किया कि वो बहुत ही खूबसूरत है। उसको बड़ी ही खूबसूरत थी और नवीशा अपने पति से दूर थी। शायद थोड़ा उसे बुरा भी लग रहा था। मुझे उस बात करते हुए उसके हाव भाव से पता चला कि वो काफ़ी मिस भी कर रही है अपने पति को। मैं अक्सर सालू के पास बैठ के ही अपना ऑफिस का काम करता और नवीशा दूसरे कमरे में बैठ अपना काम करती। काम करते हुए मैं हमेशा सालू की देखभाल करता, क्योंकि सालू पेट से थी। और इसी बीच मैं हमेशा उसकी ध्यान रखने का कोशिश करता।
क्योंकि वो अक्सर थोड़ी बीमार रहती। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए और लेकिन मैं भूल ही गया कि नवीशा भी घर पे है। जैसे ही हम सो जाते तो नवीशा भी पता नहीं क्या करती। 2 दिन में नवीशा, मैंने हमेशा देखा कि वो कई बार हम दोनों को चुप चुप के देखती, लेकिन कभी बातचीत करते हुए या फिर हमारे पास नहीं आई। फिर मैं उसे देखने लगा कि वो चुप चुप कर मुझे और नवी मेरी पत्नी शालू को देखा करती। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला, शायद उसे भी अपने पति की याद आ रही हो, उसकी भी नई नई शादी हुई थी। इसी तरह वक्त बीतने लगा। फिर मैंने एक दिन एहसास हुआ कि नवीशा मुझे हिंट्स दे रही है। उसका मुझे इस तरह हिंट्स देना थोड़ा अजीब ज़रूर था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवीशा मुझे इस तरह से हिंट्स देगी। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा और नवीशा मेरे करीब आने लगी। 1-2 दफ़ा उसने मुझे कई सारी बातें भी बताई। उसने मुझे कहा वो मुझे पसंद करती है। मैंने ये सुनकर मुझे तो मानो शॉक्ड लगा। वो मुझे पसंद करती है? खैर, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे शालू की डिलीवरी का टाइम आ गया और फिर उसकी डिलीवरी हो गई। शालू की डिलीवरी में थोड़ी सी कम्प्लेक्शन आई थी, जिस वजह से उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना था। इसी बीच ना जाने ऐसा क्या हुआ कि मैं नवीशा के बेहद करीब आ गया। शायद नवीशा का ही चाल था और उसने इतने अच्छे से मेरे घर को और सब चीज़ को संभाला था कि जब वो मेरे करीब आई तो मैं भी उसे ना नहीं बोल पाया। देखते देखते एक दफ़ा ऐसा आया कि मैं हमेशा नवीशा पे ही ध्यान देने लगा। इसी बीच शालू घर आ गई तो नवीशा घर पर शालू की ध्यान रखने लगी। जब शालू ठीक हुई तो शालू ने नवीशा को बहुत धन्यवाद किया, जिस तरह से नवीशा ने उसका ध्यान रखा। लेकिन मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था। मैंने और नवीशा ने मिलकर शालू की विश्वास का धोखा दिया था। मैं समझ गया था मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, इसलिए मैं नवीशा से दूरी बना लिया। और फिर नवीशा के पति यानी शालू के भाई मेरा शाला एक दफ़ा आया घर और फिर वो नवीशा को लेकर चला गया। मुझे पता था मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, लेकिन मैं समझ चुका था कि मैं अब आगे गलतियाँ नहीं करूँगा और फिर मैंने नवीशा से दूरी बना ली। अब भी जब भी मैं अपने ससुराल जाता हूँ, नवीशा कई दफ़ा मुझसे बात करने मेरे करीब आना चाहती है, लेकिन हर दफ़ा जब भी नवीशा ऐसा करती है मैं उससे दूरी बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरा और शालू का रिश्ता ख़राब हो सकता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Till then, bye-bye, take care and bye, दोस्तों।